नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि कैंसर की बीमारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी वापस क्यों आती है। अगर हम देखेंगे, कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बोलते हैं कि इनिशियल डेज में, पहले 2 साल में आप थोड़ा रेगुलरली, मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रेगुलरली मिलिए। 2 साल के बाद, 5 साल तक हम 6-6 महीने के बाद मरीज को दिखाने के लिए बोलते हैं। इसका रीज़न यही रहता है, कोई भी कैंसर पहले 5 साल में वापस आने की शक्यता बहुत ज़्यादा रहती है, और उसमें से जितने भी रिकरेंसेस, कैंसर वापस आना यानी उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिकरेंस बोलते हैं, ये पहले 2 साल में ही ज़्यादा होता है। और 80% ऑफ रिकरेंसेस, मतलब अगर हम 100 पेशेंट ऑपरेट करते हैं उसमें से किसी को रिकरेंस होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकरेंसेस पहले 2 साल में ही आते हैं। इसलिए हम थोड़ा विजिलियंट फॉलोअप लेते हैं, मतलब पेशेंट को हर 2 महीने 3 महीने बाद बुलाते हैं। अभी कैंसर वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसको जो डिसाइड करता है वो कैंसर का स्टेज रहता है। जब भी कोई कैंसर का हम ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो पूरा स्पेसिमेन चेकिन को भेजते हैं। उसका जो स्टेजिंग, कैंसर का स्टेजिंग कैसे किया जाता है, ये हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 के कैंसर जो बाकी के अवयव में या लिम्फ नोड में फैले नहीं रहते हैं तो वो जनरली वापस नहीं आते हैं। जो कैंसर लिम्फ नोड में फैला रहता है तो उसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और जो कैंसर पूरे शरीर में फैलता है तो वो तो वापस आता ही है। तो कैंसर वापस आएगा या नहीं आएगा, वो कैंसर का शुरुआत का स्टेज ही डिसाइड करता है। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि कैंसर कब वापस आ सकता है और क्यों वापस आ सकता है। अगर कोई भी कैंसर का स्टेज एडवांस रहता है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, मतलब शुरुआत में ही उसका स्टेज बहुत आगे गया रहता है, मतलब वो कैंसर की कोशिकाओं को शरीर में पूरा एक्सेस मिला रहता है, और वो एक्सेस की वजह से वो कभी भी हमारे शरीर में फिर से उभर के आ सकते हैं, इसीलिए कैंसर वापस आ सकता है। इसे ही हम कैंसर रिकरेंस बोलते हैं। धन्यवाद।